भारी बारिश होने लगती है और देखते ही देखते झील का पानी बाढ़ बनकर शहर में घुस जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सब कुछ जल में डूब जाता है, मगर रोशन का बांस का नाव ढाबा पानी पर तैरने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव ढाबे की शरण लेने लगते हैं। आओ आओ, हमारी नाव ढाबे में चले आओ। बांस के नाव ढाबे में जितने लोग आते वो उतना ही बड़ा हो जाता है। बांस का तैरता नाव ढाबा। दुलारी के तीन बेटे और तीन बहुएं थी, छन्नो, मन्नो और डीमो। उसके दोनों बड़े बेटे मोहन और सोहन तो अच्छा कमा लेते थे, मगर सबसे छोटे बेटे रोशन की कमाई कुछ खास नहीं थी। वो झील के किनारे खड़ा होकर चना दाल चाट बनाकर बेचता था। आइए साहब, चटपटी चना दाल नमकीन खाइए, रोशन की लाजवाब चटपटी चना दाल चाट खाइए। अरे दाल कैसी थी भाई, 10 रुपए का पत्ता, दूं क्या साहब? हाँ दे दीजिए। चना दाल बेचकर रोशन की कुछ खास कमाई नहीं होती थी, इसीलिए उसकी भाभियों को वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसकी भाभियां छन्नो और मन्नो समझती थी कि रोशन और उसकी पत्नी उन दोनों के पतियों की कमाई पर ही पलते हैं। इसीलिए एक दिन वो दोनों अपने अपने पतियों को रोशन के खिलाफ भड़का देती हैं। माँ, अब हम रोशन के साथ नहीं रह सकते। हम ही गरीब को कब तक अपना कमाई खिलाते रहे मम्मी जी? अगर रोशन इस घर में रहेगा तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। बेटे बहुओं के ऐसे बोल सुनकर दुलारी को बहुत दुख होता है और वो रोशन का साथ देते हुए कहती है, बेटा भले रोशन गरीब है पर है तो तुम्हारा भाई ही ना, फिर इस गरीब से ऐसी दुश्मनी क्यों? कान खोलकर सुन लो सासू माँ, इस रोशन और नीमो से तो अब मारी कट्टी समझो, इनको तो अलग होना ही पड़ेगा। अगर तुम सब यही चाहते हो तो झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं भाभी, मैं नीमो के साथ ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। पर तुम रहोगे कहाँ बेटा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ भगवान रखेंगे हम खुशी खुशी रह लेंगे। ये कहकर नीमो और रोशन घर छोड़कर चले जाते हैं और एक मंदिर में शरण ले लेते हैं। मैं झील पर चना दाल बेचने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना नीमो। सुनो, बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, आज हम दोनों मिलकर चना दाल बेचेंगे। अगर तुम यही चाहती हो तो चलो। उस दिन से रोशन और नीमो दोनों झील के किनारे चना दाल चाट बेचने का काम करने लगते हैं। आओ भाई, चटपटी चना दाल खा लो, प्याज नींबू और मसाले वाली चटपटी चना दाल नमकीन खा लो। एक दोपहर के समय रोशन को तेज भूख लगाती है तो वो नीमो से कहता है, बहुत भूख लगी है, चलो सुक्की तंदूर वाला के ढाबे से खाना खा आए। हाँ जी, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो खाना खा ही आते हैं। ये कहकर नीमो रोशन के साथ ढाबे पर जाती है तो सुक्की तंदूर वाला रोशन को देखते ही कहता है, जब बोलो तंदूर की आप है नमकीन वाले, बोल क्या खाएगा? दो सादा थाली लगा दो सेठ। सादा थाली? जय बोलो तंदूर की, हमारे ढाबे में सादा थाली का क्या काम है, यहाँ तो 100 वाला थाली मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना जाओ। ठीक है फिर एक थाली लगा दीजिए। ये कहकर रोशन और नीमो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी नीमो ढाबे पर खड़े ग्राहकों की भीड़ देख कर रोशन से कहती है, इस तंदूर वाले के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ तो देखो जी, बहुत कमाई करता होगा ये, क्यों ना हम भी एक ढाबा खोल लें? मन तो मेरा भी करता है पर जेब में पैसा हो तभी ढाबा खोले ना, लगता है जीवन भर चना दाल ही बेचनी पड़ेगी नीमो। भगवान ने चाहा तो हम भी ढाबा जरूर खोलेंगे जी। उस दिन के बाद नीमो और रोशन के मन में ढाबा खोलने की रट सी लग जाती है और एक दिन नीमो झील में तैरती नावों को देख कर सोचने लगती है, अगर झील पर तैरता हुआ नाव ढाबा हो तो कितना मजा आए, लोग खाना खाने के साथ साथ झील की सैर करेंगे तो उनको कितना आनंद आ जाएगा। क्या सोच रही हो नीमो? रोशन, अगर इस झील पर तैरता हुआ हमारा नाव ढाबा हो तो कितना मजा आए। रहने दो नीमो, क्यों दिन में सपने देखने लगी हो। समय बीतता जाता है और एक दिन छन्नो और मन्नो मंदिर में आती है तो वो वहाँ भी रोशन और नीमो पर तंज कसने से बाज नहीं आती। हम तो सोच ही रहे थे ये रोशन और नीमो कोई राजा रानी बन गया होगा, पर ये तो भिखारियों के माफिक मंदिर में पड़ा है। मैं तो सोच रही थी कि चना दाल बेचने वालों ने कोई होटल या ढाबा बना लिया होगा, पर ये तो अभी भी चना दाल के व्यापारी बने बैठे हैं। ये कहकर छन्नो और मन्नो मंदिर से चली जाती है और नीमो भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती है, हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारी किस्मत भी बदल जाए। कुछ दिन बाद मंदिर में एक महात्मा जी आते हैं। रोशन और नीमो महात्मा जी की पूरे मन से सेवा करते हैं। फिर महात्मा जी वापस जाने लगते हैं तो उनसे कहते हैं, मेरे बच्चों, तुमने मेरी बहुत सेवा की है,
अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। साधु महाराज, हम पानी पर तैरने वाला बांस का नाव ढाबा बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस काम में सफल हों। ये सुनकर साधु महाराज उन्हें बांस का एक छोटा पौधा देते हुए कहते हैं, ये बांस का पौधा लो, ये तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर देगा, बस तुम दोनों इसे झील के पानी में रोप देना। महात्मा जी उन्हें बांस का पौधा देकर चले जाते हैं। फिर रोशन नीमो से कहता है, ये छोटा सा बांस का पौधा हमारी इच्छाएं क्या पूरी करेगा नीमो? उसे झील के पानी में लगाने से क्या बांस का ढाबा बड़ा हो जाएगा? उस साधु ने हमें बेवकूफ ही बनाया है। पहले सच्चाई को आजमा तो लो, तभी कुछ बोलना, अगर उनकी बात सच हुई तो। ये सुनकर रोशन चुप हो जाता है और फिर वो दोनों झील के किनारे जाकर उस बांस के छोटे पौधे को पानी में रोप देते हैं। पौधा जैसे ही जमीन छूता है एकाएक बढ़ने लगता है और देखते ही देखते बांस का विशाल और आलिशान ढाबा बन जाता है। ये देखकर रोशन और नीमो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लो, मैं कहती थी ना कि सच्चाई को परख लो, छोटा सा बांस का पौधा बन गया ना विशाल बांस ढाबा। ये तो पानी पर तैरता बांस का बहुत ही खूबसूरत ढाबा बन गया नीमो। अब अंदर भी चलो, देखे तो अंदर से कैसा है। ये कहकर रोशन और नीमो दोनों झील के पानी पर तैरते विशाल बांस ढाबे में घुसते हैं तो और अधिक हैरान रह जाते हैं। अंदर जरूरत की सब चीजें रखी थी। खाना बनाने के लिए राशन, बर्तन और टेबल कुर्सियां सब कुछ रखा हुआ था। ये तो बना बनाया ढाबा मिल गया जी। भला हो साधु महाराज का जिसने हमारी ये इच्छा पूरी की। उसी दिन से रोशन पानी पर तैरते विशाल बांस ढाबे का मालिक बन जाता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे चलाने लगता है। जल्द ही वो ढाबा झील पर आने वाले सैलानियों की पहली पसंद बन जाता है। वाह भाई, जवाब नहीं तुम्हारे इस बांस के बने नाव ढाबे का। इसके आगे तो 5-स्टार होटल भी फेल है। खाने का मजा अलग और खाते खाते झील की सैर करने का मजा अलग। खाने का मजा अलग और खाते खाते झील की सैर करने का मजा अलग। झील में रोशन के पानी पर तैरते विशाल बांस ढाबे की लोकप्रियता के साथ ही सुक्की तंदूर वाला के ढाबे पर ग्राहकों का जाना बंद हो जाता है। ये देख सुक्की तंदूर वाला रोशन को कोसने लगता है। जय बोलूं तंदूर की, इस चना दाल वाले ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। इस ससुर का पानी पर तैरता बांस का ढाबा तो मेरे लिए आफत ही बन गया। ईश्वर की कृपा और चमत्कार से बना रोशन का अनोखा बांस ढाबा तरक्की पर तरक्की करता जाता है, जो सुखी तंदूर वाला सहन नहीं कर पाता। जय बोलो तंदूर की, अब सहन नहीं होता, अब तो उस चना दाल वाले रोशन का ढाबा राख हो तभी चहनाए। यही सोचकर सुखी तंदूर वाला अपने कुछ आदमियों को रोशन के बांस ढाबे में आग लगाने के लिए भेजता है। जय बोलो तंदूर की, सुनो, सुबह तक उस चना दाल वाले का ढाबा राख का ढेर बनकर झील में तैरता नजर आना चाहिए। राख का ढेर ही नजर आएगा सेठ। ये कहकर सुखी तंदूर वाला के आदमी रात के अंधेरे में बांस के नाव ढाबे पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं। मगर तभी अचानक से भारी बारिश होने लगती है और देखते ही देखते झील का पानी बाढ़ बनकर शहर में घुस जाता है। कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सारा शहर पानी में डूबने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सब कुछ जल में डूब जाता है मगर रोशन का बांस का नाव ढाबा पानी पर तैरने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव ढाबे की शरण लेने लगते हैं। आओ आओ, हमारी नाव ढाबे में चले आओ। बांस के नाव ढाबे में जितने लोग आते वो उतना ही बड़ा हो जाता है। जल्दी ही सुखी तंदूर वाला भी पानी में डूबने लगता है और उसे भी रोशन के नाव ढाबे में शरण लेनी पड़ती है। जय बोलो तंदूर की, आज तुम्हारा नाव ढाबा नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता रोशन। इस तरह सुखी तंदूर वाले को अकल आ जाती है और वो रोशन से जलन रखना छोड़ देता है। कुछ दिन बाद रोशन के भाई भाभियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और सब साथ साथ रहने लगते हैं।